वोट पर डाका नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी का नया नारा, कहा मेरे वोट पर डाका मारा गया या छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि आप बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा मियां साहब के हालात नहायत पतले हैं, नवाज शरीफ तो अपनी निशस्त भी हार रहे हैं, केपी तो बहुत दूर की बात है, ये चंद सीटें निकाल लेंगे लेकिन क्लीन स्वीप की पोजिशन नहीं। तख्ते लाहौर हिल रहा है, पूरा टब्बर सड़कों पर फिर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। मियां साहब ने हर दफा उन्हीं से पंगा लिया जिन्होंने वजीर आजम बनाया, ये शख्स दोबारा वजीर आजम बना तो 6 माह बाद कहेगा मुझे क्यों निकाला। 8 फरवरी को शेर का रास्ता रोकना है, ये शेर अवाम का खून चूसता है, इलेक्शन में मुखालफीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। फराड़ियों को दोबारा नहीं आने देना, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां गए, क्या किसी को घर मिला, वो मुर्गियां अंडे कट्टे कहां गए, 1 बिलियन ट्री मंसूबा कहां गया, ये सब फ्रॉड था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खुड़िया खास में जलसे से खिताब, कहा मुझे ना निकाला जाता तो कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, मुल्क खुशहाल होता, हम आवाम को हुनर बाइज्जत रोजगार देंगे, मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। 8 फरवरी को खुशहाली का सूरज निकलेगा, हमने बहुत ठोकरें खाई हैं, हमने मुश्किलों से निकलना है, नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। इलेक्शन परसों है, जश्न आज मनाया जा रहा है, जलसा गाह के बाहर एक और जलसा है, हर तरफ आवाम ही आवाम है, खुड़िया खास की तकरीर बदलने वाली है। और मेरा वोट मेरा फैसला, GNN की मैराथन खसूसी ट्रांसमिशन, नून लीग पीपल्स पार्टी या PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार, कौन मारेगा मैदान, किस हलके में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला, खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। अवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तनद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तजियाकारों के तबसरे, तजिये और मशवरे, कौमी असम्बली के तमाम 266 हलकों के मुस्तनद और ताज़ा तरीन आदादोशुमार सिर्फ GNN पर।